बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बरकत मार्केट लाहौर में सिलेंडर के फटने से आग लग गई है। दो लगातार धमाके हुए हैं, दो दफा धमाके हुए हैं और शदीद आग लग चुकी है। आग इर्द गिर्द की इमारतों में भी फैल रही है। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। किसी जानी नुकसान की अभी तक कोई इतला नहीं मिली है। बाद में आगाह कर देंगे, अगर कोई खुदा न खास्ता जानी नुकसान हुआ तो नाज़रीन आपको बता देंगे। इस वक्त तक कोई जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। एक दफा फिर बता दूं, बरकत मार्केट लाहौर में गैस सिलेंडर के फटने से आग लग गई है। आग इर्द गिर्द की इमारतों में भी लग रही है। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। नाज़रीन, बरकत मार्केट लाहौर में गैस के सिलेंडर फटने से आग लग गई है। दो लगातार धमाके हुए हैं, वीडियो में देखा जा सकता है। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। बरकत मार्केट लाहौर में सिलेंडर के फटने से आग लग गई है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। दो लगातार धमाके हुए हैं, दो दफा धमाके हुए हैं और शदीद आग लग चुकी है। आग इर्द गिर्द की इमारतों में भी फैल रही है। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। किसी जानी नुकसान की अभी तक कोई इतला नहीं मिली है। बाद में आगाह कर देंगे, अगर कोई खुदा न खास्ता जानी नुकसान हुआ तो नाज़रीन आपको बता देंगे। इस वक्त तक कोई जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। एक दफा फिर बता दूं, बरकत मार्केट लाहौर में गैस सिलेंडर के फटने से आग लग गई है। आग इर्द गिर्द की इमारतों में भी लग रही है। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। नाज़रीन, बरकत मार्केट लाहौर में गैस के सिलेंडर फटने से आग लग गई है। दो लगातार धमाके हुए हैं, वीडियो में देखा जा सकता है। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। बरकत मार्केट लाहौर में सिलेंडर के फटने से आग लग गई है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। दो लगातार धमाके हुए हैं, दो दफा धमाके हुए हैं और शदीद आग लग चुकी है। आग इर्द गिर्द की इमारतों में भी फैल रही है। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। किसी जानी नुकसान की अभी तक कोई इतला नहीं मिली है। बाद में आगाह कर देंगे, अगर कोई खुदा न खास्ता जानी नुकसान हुआ तो नाज़रीन आपको बता देंगे। इस वक्त तक कोई जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। एक दफा फिर बता दूं, बरकत मार्केट लाहौर में गैस सिलेंडर के फटने से आग लग गई है। आग इर्द गिर्द की इमारतों में भी लग रही है। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। नाज़रीन, बरकत मार्केट लाहौर में गैस के सिलेंडर फटने से आग लग गई है। दो लगातार धमाके हुए हैं, वीडियो में देखा जा सकता है। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। बरकत मार्केट लाहौर में सिलेंडर के फटने से आग लग गई है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। दो लगातार धमाके हुए हैं, दो दफा धमाके हुए हैं और शदीद आग लग चुकी है। आग इर्द गिर्द की इमारतों में भी फैल रही है। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। किसी